महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर जहां देश भर में स्वच्छता पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं इंद्री हलके में भी पद यात्रा दर्जन भर गांव में निकाली गई। इस पद यात्रा के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश देने के साथ साथ सरकार की 4 साल की उपलब्धियां भी बताई गई। यह पद यात्रा राज्य मंत्री करणदेव कांबोज के नेतृत्व में स्वच्छता की अलग जगाते हुए निकाली गई। 30 किलोमीटर की यह पद यात्रा चौगामा से शुरू होकर विभिन्न गाँव से गुजर कर कलसोरा गाँव में सम्पन्न हुई। पद यात्रा का लोगों ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया। राज्य मंत्री करणदेव कांबोज ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में आज इंद्री हलके के गांव चौगामा से लेकर कलसोरा तक पद यात्रा निकाली गई है। पद यात्रा का बहुत बढ़िया संदेश जा रहा है और जो मंत्री जी ने 4 साल के विकास कार्य करवाए हैं उसका हम घर घर संदेश दे रहे हैं, क्या क्या काम करवाए हैं। लोगों में बड़ा उत्साह इस बात का, बहुत बढ़िया माहौल नजर आ रहा है लोगों का, बहुत ही बढ़िया खुश है लोग, बहुत बढ़िया स्वागत हर गांव में जहाँ भी जाते हैं मंत्री जी, फूल और मालाओं से बहुत बढ़िया स्वागत हो रहा है मंत्री जी का। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती है और इस शुभ अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर पद यात्रा शुरू की है स्वच्छता अभियान को लेकर के। जैसा कि महात्मा गांधी जी का एक विजन था कि मेरा देश साफ सुथरा देश होना चाहिए और स्वच्छता के ऊपर जिस प्रकार से वो ध्यान देते थे, बल देते थे, इसी प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को पूरे देश के सामने आह्वान किया है कि हम सबको स्वच्छता को अपनाना चाहिए। हमारा गांव जब साफ सुथरा होगा, हमारा गांव जो है ना स्वच्छ होगा, तो निश्चित रूप में हमारा देश भी साफ सुथरा होगा। 4 साल का अभी 1 नवंबर को, क्योंकि 26 अक्टूबर को हमारी सरकार को बने हुए हरियाणा के अंदर 4 साल हो जाएंगे और 1 नवंबर को हम इस 4 साल के हमने क्या क्या काम हरियाणा के अंदर किए हैं, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है ना हरियाणा दिवस के ऊपर हम करनाल के अंदर करने जा रहे हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वो भव्य कार्यक्रम करनाल के 32 सेक्टर में वो होने वाला है और उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाओं का उस दिन शिलान्यास भी करेंगे। आज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।